फ्लेशन के बारे में जैसा आपने कहा है तो उसमें एक तो यह कि आप कहते हैं कि आप फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस नहीं देंगे लेकिन मैं जैसे रीड करता हूं आप यह कह रहे हैं कि जब तक चार परसेंट के नीचे सस्टेन्ड बेसिस पे नहीं रहता इन्फ्लेशन जो एक्चुअली वेजिटेबल्स को छोड़ दें तो सर थ्री पॉइंट थ्री परसेंट है सीपीआई के लेवल पे तो आप कब तक इंतजार करेंगे कि ग्रोथ का नुकसान किए बगैर इन्फ्लेशन पर आपकी कड़ी नजर है कि रेट कट के लिए वो कौन से नेसेसरी कंडीशंस होंगे जिसमें आप कंसीडर करेंगे इससे पहले तो ये है कि चार परसेंट के नीचे हम जाएंगे वो हमने कभी नहीं कहा आप अगर केयरफुली देखेंगे हमारा मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट हम कह रहे हैं थे हम ये कह रहे हैं कि ड्यूरेबल अलाइनमेंट ऑफ इन्फ्लेशन टू दारगेट अलाइनमेंट मतलब वो चार के आसपास रहे और उसमें एक ड्यूरेबल बेसिस में ये नहीं कि वन ऑफ मतलब आप देखिए पिछले जुलाई का इन्फ्लेशन 3.5 परसेंट आ गया इसका मतलब ये नहीं कि मतलब प्रॉब्लम ओवर हो गया है क्योंकि बिकॉज़ ऑफ़ बेस इफेक्ट सॉलिड बेस इफेक्ट एडवांटेज था तो आवर टारगेट आवर अप्रोच जो है चार परसेंट के आसपास रहे और उसमें थोड़ा ड्यूरेबिलिटी हमको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ अभी चार परसेंट के आसपास रहेगा एक वन ऑफ चार परसेंट के नीचे चला जाए फिर हम इंटरेस्ट रेट को ये कर देंगे वो बहुत बड़ा सीरियस पॉलिसी मिस्टेक होगा वी हैव टू बी पेशेंट बहुत पेशेंट रहना और भी थोड़ा डिस्टेंस अभी कवर करना है और जहां तक ग्रोथ की सवाल है ग्रोथ सेक्रीफाइस अभी तक जो ग्रोथ सेक्रीफाइस है वो बहुत ही मतलब मिनिमल है बिल्कुल ना होने की बराबर है ओके okay. क्योंकि इस साल आप देखिए 7.2 हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इंडिया विल फास्टेस्ट ग्रोइंग 24 25 में तो इसीलिए ग्रोथ सेक्रीफाइस जो है या तो उसको आप मिनिमल कह सकते हैं लेकिन हमारे हिसाब से कोई मेजर कोई ज्यादा मतलब ग्रोथ सेक्रीफाइस नहीं हुआ है ग्रोथ रिमेंस इंटैक्ट ग्रोथ इज स्टेबल एंड रेसिलियंट और इन्फ्लेशन को हमको कम करना चाहिए देखिए वेजिटेबल प्राइसेस या फूड आइटम्स को अगर आप निकाल देंगे और फिर आप कहेंगे कि नहीं इन्फ्लेशन कम हो गया फिर आप एक आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए अगर फूड प्राइसेस ज्यादा है हम सिर्फ जिसको कहते हैं कि कोर इंफ्लेशन कम हो गया ठीक है इन्फ्लेशन कम हो गया अगर वो कहेंगे वो क्रेडिबल नहीं रहेगा जी वो क्रेडिबल नहीं रहेगा लोगों के आम जनता के माइंड में ये रहेगा कैसे आप कह रहे हैं मेरा तो इतना खर्चा हो रहा है मेरा सैलरी इतना है और उसमें से इतना परसेंटेज जा रहा है फूड कॉस्ट में फूड इन्फ्लेशन कैसे सरकार कह रही है कैसे आर कह रही है कि इन्फ्लेशन जो है कम हो गया इसीलिए फूड इन्फ्लेशन हमारा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो टारगेट है उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका कारण ये है क्योंकि अभी जिस सर्वे के आधार पर हमारा कंज्यूमर uh, 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 जो कंजम्पशन बास्केट है जिसके ऊपर टारगेट इन्फ्लेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं जो कंजम्पशन बास्केट है उसमें फूड इन्फ्लेशन का शेयर 46 परसेंट है जी तो मान लीजिए एक uh, साधारण परिवार में 50 परसेंट ऑफ कंजम्पशन जितना खर्चा हो रहा है 50 परसेंट खाने के चीज में फूड इन्फ्लेशन फूड कॉस्ट में जाता है तो इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम फूड इन्फ्लेशन को मन में रखें और रेट कब हम कम करेंगे या कब पॉलिसी चेंज करेंगे वो फ्यूचर डेटा के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन फिलहाल हमको ये कॉन्फिडेंस है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है और चार परसेंट के आसपास पहुंच जाना चाहिए लेकिन इस साल का एवरेज हमने फोर पॉइंट फाइव परसेंट दिया है बहुत सारे अनसर्टेंटीज है आगे जाके हम देखेंगे कैसे इनकमिंग डेटा स्टडी करेंगे उसके आधार पर आउटलुक क्या बन रहा है हमारा असेसमेंट करेंगे कि अगले छह महीने में कैसा रहेगा उस बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे पहले से एक गाइडेंस दे के मतलब आप एक गाइडेंस दे देंगे फिर वो आप देखते हैं कि कुछ डेवलपमेंट्स आगे और नहीं हो रहा है तो हम लोगों को कन्फ्यूज नहीं करना चाहते नहीं। हैं।, हैं लेकिन वी आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन इन्फ्लेशन वी आर कीपिंग क्लोज आई ऑन ग्रोथ we are keeping close eye on inflation we want inflation to it is coming down we want inflation to go and be around 4% and be there फिर हम उसके ऊपर मतलब उसके बेसिस पे हम आगे का कदम डिसाइड करेंगे